कि भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा को धमकी दी गई है और धमकी के बाद से लगातार अफरा तफरी मच गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही, भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह की बेटी जीवा को यह धमकी मिली है। धोनी की पत्नी साक्षी के इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से ये धमकी दी गई है। आईपीएल में खराब प्रदर्शन को लेकर धमकी दी जा रही है। तो रांची से सिमलिया स्थित धोनी के फार्म हाउस के बाहर जो है वहां पर धमकी दी गई है और धोनी के घर के बाहर पुलिस पहुंची हुई है। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को ये धमकी मिली है। आपको बता दें कि धोनी की पत्नी जो है साक्षी, उनके ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से धमकी दी गई है। आईपीएल में खराब प्रदर्शन को लेकर यहां पर धमकी दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धोनी के बेटी जीवा को ये धमकी मिली है। जो धोनी की पत्नी है साक्षी, उनके ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से ये धमकी दी गई है। आईपीएल में खराब प्रदर्शन को लेकर ये धमकी दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची से, उनके फार्म हाउस के बाहर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धोनी के घर के बाहर स्टैटिक फोर्स को तैनात किया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेटवर्क 10 पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा को ये धमकी दी गई है और इसके साथ ही आईपीएल में खराब प्रदर्शन को लेकर यहां पर धमकी दी गई है। तो रांची के सिमलिया स्थित धोनी के फार्म हाउस पर जो है तैनाती की गई है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ सूरज कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, जिस तरह से यहां पर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को धमकी दी जा रही है, पूरा मामला क्या कुछ और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, आईपीएल में जिस तरह से धोनी का प्रदर्शन पिछले दो मैचेस को देखा जा रहा और उस मैच के जो प्रदर्शन है धोनी की, उस मैच को लेकर कई कई फैंस काफी नाराज है। और जो धोनी के फैंस है वो उन्होंने धोनी की जो पत्नी है साक्षी, उसके इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से ये धमकी दी गई है जीवा को। और कहीं कहीं इस मामले को लेकर जब ये मामला जब धूल पकड़ता गया तो धोनी के जो फार्म हाउस है रांची के सिमलिया स्थित, उनके फार्म हाउस में स्टैटिक फोर्स के साथ साथ झारखंड के जो पुलिस जवान है उनकी भी तैनाती कर दी गई। तो जाहिर तौर पर धोनी बहुत बड़े सेलिब्रिटी है और झारखंड बिहार में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति है और कहीं ना कहीं वो पूर्व कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं धोनी, और कहीं ना कहीं एक आइकॉन है, यूथ आइकॉन है। उसे लेकर कहीं ना कहीं धोनी की जो घर की सुरक्षा है वो लगातार यहाँ पर चाक चौबंद की सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जाहिर तौर पर ये मामला जब इंस्टाग्राम और ट्विटर का ये सारा मामला जब आया तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो जो सुरक्षा है वो अपने हाथों पे ले लिया और धोनी के फार्म हाउस है सिमलिया स्थित, पूरे घर के बाहर तो सुरक्षा की पूरा पुख्ता इंतजाम की गई। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी खबर है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो कि भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान रहे हैं, उनकी बेटी को इस तरह से धमकी दिए जाने का मकसद आईपीएल में खराब प्रदर्शन बताया जा रहा। धमकी में क्या कुछ बातें कही गई है सूरज? देखिए, धमकी में साफ तौर पे कई ऐसे वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है जो कहना फोनों के माध्यम से बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कहीं कहीं जिस तरह से जीवा को धमकी दी गई है और जीवा को लेकर उसमें काफी जिक्र किया गया है उस इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, तो ये कह सकते हैं तमाम जो चीजें हैं उसे पुलिस फिलहाल अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और जो पुलिस के जो स्पेशल टीम है जो उनके घर के बाहर लगाया गया है और कुछ ऐसे टीम्स है जो लगातार ये पता लगाने में लगी हुई कि आखिरकार ये इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में ये कहाँ से और किसने ये धोनी की बेटी को धमकी दिया है या धोनी के पत्नी साक्षी के। लेकिन सूरज, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या वजह थी कि आईपीएल में खराब प्रदर्शन को लेकर उनकी बेटी को टारगेट किया गया, उनकी बेटी को ये धमकी दी जा रही है। महेंद्र सिंह धोनी को भी कहा जा सकता था, अगर उनके फैंस या फिर जो भी लोग उनसे नाराज हैं आईपीएल में खराब प्रदर्शन को लेकर, वो इस बात का जिक्र उनसे भी कर सकते थे। तो ऐसी क्या वजह थी कि उनकी बेटी को ये धमकी दी जा रही है सूरज? धोनी की जो बेटी है जीवा वो मात्र 5 साल की है और छोटी बच्ची को धमकी देना ये कहने की सरासर गलत है। आपने सही कहा कि धोनी को भी धमकी दी जा सकती थी, साक्षी को भी दी जा सकती थी, लेकिन उनकी बेटी जो 5 साल की उसे क्यों दी जा रही है? तो जाहिर तौर पर ये जांच का विषय है और कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर जो प्रशासनिक की जो टीम है, जो आला अधिकारी है, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार ये किसके इंस्टाग्राम से ये धमकी आई और किसकी ये धमकी दिया। तो कहीं कहीं एक जो स्पेशल टीम है जो
एक स्पेशल जो टास्क है वो लगातार यहाँ पे तमाम चीजों पर वो कार्य कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये धमकी कहाँ से आया है और किसने दी है। तो जाहिर तौर पर ये कहीं कहीं जब ये मामला सोशल मीडिया पे आया, फिर चैनलों में आया, तो कहीं कहीं ये मामला लगातार धूल पकड़ता गया और प्रशासन अपनी हरकत में आकर धोनी के जो फार्म हाउस है सिमलिया से पूरी तरह से सुरक्षा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे